माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत एवं सेवा ध्वज की प्रतिकृति भेंट करके हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का सम्मान तथा संत सेवालाल महाराज की मूर्ति सम्मान स्वरूप हम सभी की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। इस पावन भूमि पर आगमन हेतु आपका हृदय से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब मैं शब्द सुमनों से सभी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ मृदा एवं जल संधारण मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय श्रीमान संजय जी राठौड़ को, वे कृपया स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, सेवालाल महाराज की, रामराव महाराज की। आज आपनो संत रामराव बापू रो सपनो पूर्ण वेगो छ। ओना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहेब ना ओराम लायर आज बापू छेनी, पण प्रधानमंत्री पोराम आता आयच ही हमारो भाग्य छ। सेवालाल महाराज की। मंच पर आसीन रेट बेच जाओ, सब रेट बेच जाओ। मार विनंती चा अपने ना सब ये ना शांत देती रेट बेसन सामनेर चा। मैं सब हमार गौर भाई विनंती करू चु खुर्ची मत वटाओ, बेच जाओ। मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, माननीय महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहेब, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहेब, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहेब, भारत के केंद्रीय मंत्री माननीय राजू रंजन सिंह साहब, भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जी यादव साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहेब, मेरे साथी मंत्रीगण, श्रद्धेय मंत और हम सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों को आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको मैं जय सेवालाल बोलता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके इस कार्यक्रम में आने से संपूर्ण बंजारा समाज और महाराष्ट्र की जनता भी अपने आप को गौरव का अनुभव कर रही है। आपने बंजारों के जीवन पर आधारित बंजारा विरासत संग्रहालय को अपने कर कमलों को से उद्घाटन करके एवं हमें आशीर्वाद देने के लिए अपना बहुमूल्य समय देकर अनुग्रहित किया, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महोदय, आपसे विशेष अनुरोध है कि बंजारा समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए भारत भर से आए हुए हमारे प्रतिनिधियों द्वारा आपको अवगत कराया गया है। महोदय, बंजारों के इतिहास को आप भली भांति जानते हैं, इसलिए संपूर्ण भारत से बसे हुए बंजारों को एक अनुसूची में शामिल करने पर सहानुभूति से विचार करें। इसके साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि बंजारा समाज की संस्कृति और भाषा भी एक है, इसलिए भाषा को संरक्षित करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर हमें अनुग्रहित करें। बंजारों के तांडो में बुनियाद सुविधाओं उपलब्ध कराने और उनकी चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तांडा विकास निगम का परिषद की स्थापना करने पर भी आप विचार करें। महोदय, स्वदेश योजना के अंतर्गत कोरादेव के विकास के लिए भी आपकी मदद की आवश्यकता है। आगे हमारी यह भी मांग है
कि वाशिम और यवतमाल जिलों में रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं है, इसलिए कृषि एवं अन्य उद्योग एवं व्यवसाय के विकास के लिए टैक्स जीएसटी आदि में छूट प्रदान करने का प्रोत्साहित करें। मंच पर विराजमान हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के भी हम आभारी हैं, जिनके सहयोग से आज हम इस कार्यक्रम को सफल कर सके। हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय सीपी राधाकृष्णन साहब, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज चौहान साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय राजू रंजन सिंह साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव यादव साहब की गरिमाई उपस्थिति में हमारे लिए प्रेरणादायक रही है, आपके भी हम आभारी हैं। मैं संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल। धन्यवाद। देश का ग्रोथ इंजन माना जाने वाला हमारा महाराष्ट्र राज्य जिन आदरणीय नेताओं के कुशल नेतृत्व में सतत प्रगतिरत है, अब हम उनके विचार जानेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यकुशल उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अजित दादा पवार जी को कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। आपल्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान विकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, महामहिम राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन जी, आपल्या राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, त्याचबरोबर आज आवर्जून उपस्थित असणारे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहेब, दुसरे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, देवेंद्र फडणवीस जी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, उपस्थित सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, आपले पालकमंत्री संजय राठोड, माझ्या वाशिम यवतमाळ आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सगळे माझे बांधव, माझ्या मायमाऊली बंधू भगिनींनो आणि तरुण मित्रांनो, बंजारा समाजाच्या दृष्टीनं आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान विकास पुरुष आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या हस्ते बंजारा विरासत नगारा म्युझियमचं उद्घाटन झालेलं आहे। तसंच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा 18व्या हप्त्याचं नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या 5व्या हप्त्याचं वितरण शेतकरी उत्पादक संघटनांचे राष्ट्रपरणासारख्या इतर उपक्रमांचे देखील आज लोकार्पण आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं होतं आहे। या प्रसंगी उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवरांचं आणि राज्यातल्या सर्व बंजारा लमाम समाजातल्या माझ्या बंधू भगिनींचं आणि तरुण मित्रांचं मी स्वागत करतो। या निमित्तानं बंजारा समाजाचं श्रद्धास्थान असलेल्या पोहरादेवी येथील जगज्जननी देवी जगदंबा मातेच्या चरणी नतमस्तक होतो। संत सेवालाल महाराज, संत रामराव महाराज, संत जेतालाल महाराज यांना वंदन करतो। या ठिकाणी उपस्थित बंजारा लबाना समाजातल्या सर्व संत महंत यांना देखील अभिवादन करतो। राज्यात मोठ्या उत्साहामध्ये नवरात्र उत्सव सुरू केलेला साजरा होत आहे। स्त्री शक्तीचा मातृशक्तीचा जागर केला जातोय। या निमित्तानं राज्यातल्या 3.5 शक्तीपीठांना कर्तृत्ववान स्त्री शक्तीला वंदन करतो, सर्व देवी भक्तांना नवरात्र उत्सवाच्या शुभेच्छा देखील देतो। पोहरादेवी येथील हे बंजारा विरासत नगारा म्युझियम देशातल्या बंजारा समाजाची संस्कृती परंपरा वारसा अस्मिता इतिहास याचं गौरवशाली प्रतीक ठरेल। म्युझियमच्या रूपाने एक भव्य प्रशस्त आकर्षक वैभवशाली वास्तू इथं उपलब्ध झाल्याबद्दल मी आपणा सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो। मित्रांनो, अतिशय उत्कृष्ट वास्तुकलेचा नमुना असणाऱ्या या म्युझियममधून निसर्ग पूजक लढवय्या बंजारा समाजाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीचं परंपरांचं सर्वांना दर्शन घडेल असा मला विश्वास आहे। याची सुरुवात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असताना 2017 25 कोटी रुपये देऊन संजय राठोड यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेतला,
इथल्या सगळ्या सहकारी मित्रांनी सपोर्ट केला आणि नंतर ज्यावेळेस देवेंद्र परत इथं आले त्यांनी 25 कोटीच्या नंतर 100 कोटी रुपये जाहीर केले. परंतु ज्या पद्धतीनं काम झालं ते बघत असताना एकनाथराव शिंदे देवेंद्रजी आम्ही सगळ्यांनी नंतर हा प्रोजेक्ट 700 कोटीपर्यंत गेला. पैशाला महत्त्व नाही पण ज्या दर्जाचं काम झालेलं आहे त्याबद्दल मी एकनाथराव शिंदेजी देवेंद्र फडणवीसजी संजय राठोडजी आणि जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत जे आर्किटेक्ट आहे आणि आपण सगळे सहकारी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीने एकदा का येऊन इथं दर्शन घ्यावं, इथलं म्युझियम बघावं, एवढं देखणं म्युझियम आज या ठिकाणी झालेलं आहे. ते सर्व देशामध्ये लोकप्रिय झाल्याशिवाय राहणार नाही. माझी आपल्याला विनंती आहे, आपण शिस्तीचे भोगते आहोत, आल्यानंतर आपण जरा खुर्च्यावर उभा होता हे बरोबर नाही. आपण शिस्त पाळली पाहिजे. देशाचे पंतप्रधान आज 140 कोटी जनतेचं नेतृत्व करतायत, ते आपल्याकडे आलेले आहेत. आपण त्यांचा आदर ठेवला पाहिजे, आपण त्यांचा त्या ठिकाणी सन्मान ठेवला पाहिजे. आणि आज हे काम चाललेलं आहे, मंदिराचं काम देखील पूर्ण होईल. तुम्ही काळजी करू नका, माझ्यानंतर मुख्यमंत्री सांगतीलच, देवेंद्रजी सांगतील, पण राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी तुम्हाला शब्द देतो. सरकारच्या वतीनं इथून पुढं हे काम पूर्ण होण्याच्या करता कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडणार नाही हा शब्द मी आपल्याला सगळ्यांना देतो. राज्यामध्ये अनेक कामं होतात परंतु इतका उत्कृष्ट कामाचा नमुना मलाही ते पाहिल्यानंतर मनापासूनचा आनंद वाटला. आज मला स्वर्गीय वसंतराव नाईक साहेबांचे आणि स्वर्गीय सुधाकर नायकांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. मी त्यांना पण भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि एकंदरीतच वेळ बराच झालेला आहे, बाकीच्यांना पण बोलायचं आहे, परंतु आदरणीय मोदी साहेबांचं हे विकासाचं विजन असलेले नेते, महाराष्ट्राचे महायुतीचं विकास सरकार यांच्या मार्गदर्शन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आदरणीय श्री मोदी साहेबांच्या दूरदृष्टीमुळं देशाचा विकास आज वेगाने होतोय. केंद्र सरकारच्या मदतीनं महाराष्ट्राच्या विकासाची गाडी देखील पूर्ण वेगाने धावते. आपल्या सर्वांचा एकजुटीचा त्याचा वेग भविष्यात अनेक पटींना आपल्याला वाढवायचा आहे. आणि मला दुसऱ्या एका गोष्टीचा आभार मानायचा आहे, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. 13 कोटी महाराष्ट्रीयन बांधवांच्या वतीनं मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. अनेक सरकार आली, अनेक सरकार गेली, परंतु कधी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी कुणी पूर्ण करू शकलं नाही. ते फक्त मोदी साहेबांनीच केलेले हे आपल्याला मान्यच करावं लागेल. एकंदरीतच या निर्णयामुळं मराठी भाषेचा गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक वैभव जगभर पोचणार आहे. मराठी भाषा ही ज्ञान भाषा आहे, अर्थांजनांची भाषा बनण्यास यामुळं मदत होणार आहे. त्याबद्दल खरोखरीच तमाम महाराष्ट्रात आणि जगामध्ये जिथं जिथं मराठी माणूस आहे त्या सर्वांना आनंद झालेला आहे, आपल्याला आनंद झालेला आहे. आज प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंजारा समाजास शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासन यापुढे देखील कार्यरत राहील अशी ग्वाही मी देतो. बंजारा समाजाचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. एवढ्या प्रचंड संख्येने आपण मोदी साहेबांचं स्वागत करण्याच्या करता आला, त्याबद्दल तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय अजितदादा पवारजी. और आइए अब हम अपने यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी के विचारों से लाभान्वित होते हैं. श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी. मंचावर उपस्थित अखिल विश्वामधील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांचं या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. माननीय राज्यपालजी, मुख्यमंत्री, माननीय एकनाथराव शिंदेजी, माननीय शिवराजसिंग चव्हाणजी, माननीय
राजीव रंजन सिंह जी, माननीय अजितदादा पवार, माननीय प्रतापराव जाधव, माननीय गिरीशजी महाजन, ज्यांनी या प्रकल्पासाठी विशेष मेहनत घेतली, ते संजय राठोड जी, धनंजय मुंडे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, अनूप धोत्रे जी, निलय नाईक जी, हंसराज भैया अहिर, लखन मलिक जी, या ठिकाणी आदरणीय धर्मगुरु बाबू सिंह महाराज जी, गोपाल चैतन्य महाराज जी, सर्वच आपले साधू संत आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या सगळ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आई जगदंबे मातो श्री की, संत श्री सेवालाल महाराज की, तपस्वी श्री रामराव बापू की, सेन जय सेवालाल। मोदी साहेब तमार सेर आशीर्वादेतील तिसरी वडा पंतप्रधान वेगोच पोरा गडे प्रथम ओनेर आगमन हुयोच और सारू से वेताणी आपणे जोरदार टाळी वजान ओनेर स्वागत करे छ। नवरात्रि शक्ति पर्व पर सारी बंजारा बांधवेन मार खूब खूब शुभेच्छा। ज्यांनी बाबा विश्वनाथाच्या काशीचा कायापालट केला ते आज बंजारा समाजाच्या काशीचा कायापालट पाहण्याकरता आणि त्याचं उद्घाटन करण्याकरता या ठिकाणी आले आहेत। मोदीजींचं बंजारा समाजाशी एक विशेष नातं आहे आणि खऱ्या अर्थाने रामराव बापूंनी मोदीजींना विनंती केली होती की एकदा तरी तुम्ही पोहरागडाला आलं पाहिजे। या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मोदीजी पहिले प्रधानमंत्री आहेत की जे पोहरागडाला बंजारा समाजाच्या काशीला या ठिकाणी आले आहेत। मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करत असताना त्यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला त्याबद्दल तमाम मराठी बांधवांच्या वतीनं त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि आपल्या सर्वांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो। मला या गोष्टीचा आनंद आहे की बापूंनी आम्हाला जबाबदारी दिली होती, मी मुख्यमंत्री होतो आणि सांगितलं या ठिकाणचा विकास झाला पाहिजे, या ठिकाणी बंजारा संग्रहालय झालं पाहिजे आणि आज आम्हाला ही संधी मिळाली। मी असेल माझ्यानंतर आमचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, अजितदादा, आम्ही सगळ्यांनी मिळून या ठिकाणी संजय राठोडजी आहेत हे स्वप्न पूर्ण केलेलं आहे आणि मला आज आनंद आहे। रामराव बापूंचा आशीर्वाद हा आम्हाला या ठिकाणी निश्चित मिळणार आहे। सेवालाल महाराजांचा आशीर्वाद तर आपल्या पाठीशी आहेच, म्हणूनच आपण हे सगळं काम या ठिकाणी करू शकतोय। आज खरं म्हणजे या कार्यक्रमाच्या सोबत अनेक कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतलेले आहेत, ज्यात सगळ्यात महत्त्वाचा माननीय मोदी साहेबांनी आमच्या शेतकऱ्यांकरता त्या ठिकाणी किसान सन्मान योजना आणली आणि आम्ही देखील त्याच्यासोबत नमो किसान सन्मान योजना आणली। 12,000 रुपये आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आज या ठिकाणून जाणार आहेत। एवढंच नाही तर आपल्याला माहिती आहे, आम्ही सांगितलं होतं की शेतकऱ्यांना आम्ही दिवसा वीज देऊ, त्याच्याकरता आम्ही विजेचं त्या ठिकाणी सोलरायझेशन सुरू केलं। आज मोदीजींच्या हस्ते पहिल्या 5 प्रकल्पाचं उद्घाटन होत आहे, ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज मिळेल आणि पुढच्या 18 महिन्यात महाराष्ट्रातल्या 1 शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी 18 तास वीज मिळेल। आणि म्हणून मी आज खरं म्हणजे आमचा बंजारा समाज स्वतःला गोरमाटी म्हणतो, यातली माटी म्हणजे माती, मातीशी नातं असलेला असा हा आमचा समाज आहे आणि खऱ्या अर्थानं आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे कसाईन गावडी मत पेचो, अशा प्रकारचा आपल्या गायीवर प्रेम करणारा आमचा समाज आहे आणि म्हणून या ठिकाणी निश्चितपणे पूरे भारत से बंजारा समाज यहाँ पर आया है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और फिर एक बार
आप सभी को जय सेवालाल कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल। धन्यवाद माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण पर विशेष रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री मत्स्य व्यवसाय, पशु संवर्धन, पंचायती राज एवं डेयरी विकास श्रीमान राजीव रंजन सिंह जी उपाध्यक्ष ललन सिंह जी से निवेदन है कि वे कृपया अपने विचार व्यक्त करें। पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले और देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री अजीत पवार जी और यहाँ मंच पर उपस्थित अन्य सभी महाराष्ट्र के सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी साथियों, माताओं और बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पशुधन के हित में पशुपालन विभाग के दो कार्यक्रमों का लोकार्पण करने वाले हैं। एक सेक्स सॉर्टेड सीमन पशुधन में के नस्ल सुधार में बहुत ही कारगर है और अब तक सेक्स सॉर्टेड सीमन का निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता था। 800 रुपये उसका कीमत था जो किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध नहीं हो पाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत पशुपालन विभाग के अंतर्गत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 250 रुपए के सिक्स सॉर्टेड सीमेन का विस्तार किया है, उसका आविष्कार किया है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब यह सिक्स सॉर्टेड सीमेन 250 रुपया में किसानों को उपलब्ध होगा, जिससे पशुधन के नस्ल में सुधार होगा और इसके 3 शॉट लगाए जाते हैं, उन 3 शॉट के आधार पर नस्ल सुधार होगा। इस सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग से आज तक के परीक्षण में पाया गया है कि 70-80% कृत्रिम गर्भाधान के कारण बछड़ियां पैदा होती हैं, बछड़े पैदा कम होते हैं। ये इस सेक्स सॉर्टेड सीमेन की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद यह किसानों को 250 रुपए में उपलब्ध होगा। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीनोमिक चिप का लोकार्पण करने वाले हैं। यह जीनोमिक चिप डीएनए पर आधारित है, जो पशुओं के अनुवांशिक सुधार में बहुत ही कारगर साबित होता है। पूरे देश दुनिया में अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड ने इस तकनीकी का इस्तेमाल किया और आज उनके पशुधन में अनुवांशिक सुधार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके लोकार्पण के बाद पशुधन के अनुवांशिक सुधार के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह साबित होगा, जो किसानों के लिए लाभकारी होगा। गाय के लिए गौ चिप और भैंस के लिए महिषी चिप का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। इसके अलावा आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण पिछले नौ वर्षों में आज हमारा देश विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हमारा जो दूध उत्पादन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 57.62% की वृद्धि की है और जो विश्व का रिकॉर्ड है। आज दुनिया का
दुनिया में दूध उत्पादन के क्षेत्र में 2% की वृद्धि वार्षिक दर से होती है, जबकि हमारे देश में दूध उत्पादन 6% वार्षिक दर से होती है। इस दिशा में ये कार्रवाई हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये परिणाम है कि आज हम दुनिया में 1 नंबर के स्थान पर खड़े हैं। इसके लिए हम हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने आज समय दिया और पशुधन के विकास में और पशु किसानों के हित में आज दो योजनाओं का, पशुपालन विभाग की 2 योजनाओं का लोकार्पण का आपने सहमति दिया। इसके लिए हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मंच पर उपस्थित हैं देश के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास क्षेत्र को नए आयाम देने हेतु कटिबद्ध वरिष्ठ नेता, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आप कृपया सभा को संबोधित। बोलिए, भारत माता की, संत सेवालाल जी महाराज की, संत रामराव बापू की। मंच पर विराजमान जिनके हम परिवार हैं, ऐसे अपने प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गवर्नर साहब, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य जो अभी बोल रहे थे आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय अजीत पवार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया के 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे, 1 पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। MSP पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में ही दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने MSP पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों,
ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूँ, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी, 2100 रुपया, 266 रुपया में देते हैं जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के पैक पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हमारा महाराष्ट्र राज्य जिनके कुशल मार्गदर्शन में चहुओं प्रगति कर रहा है, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान एकनाथ शिंदे जी से निवेदन है कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी माता पोरा देवीला मज नमन। सेवालाल महाराज की, सेवालाल महाराज की, रामराव महाराज की। अच्छा या पोरा देवीचा लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित संपूर्ण विश्वामध्ये, संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संत सेवालाल महाराज की इस पुण्य भूमि में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कार्यक्रमाला उपस्थित राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहेब, त्याचबरोबर माननीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान साहेब, माननीय मंत्री राजीव रंजन जी, आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे आमचे आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, व्यासपीठावरील सर्व माझे मंत्रीगण आणि ज्यांनी अतिशय मेहनत घेऊन हे पोहरा देवीचं अतिशय पवित्र कार्य पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, ते आपले पालकमंत्री संजय राठोड जी। वेगो नंगारो, वेगो नंगारो चालो पोहरा, वेगो नंगारा चालो पोहरा, असा आवाज देतात गावा गावातून आणि तांड्या तांड्यातून लोक निघाले आणि ती इथे बंजारा समाज पूर्ण या ठिकाणी एकत्र आलाय। मी बंजारा समाजाला मनापासून धन्यवाद देतो, आपलं स्वागत करतो आणि इकडे महंत सगळे बसलेत त्या महंतांना देखील वंदन करतो, आपलंही मनापासून स्वागत करतो। बंजारा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत असलेल्या नंगारा म्युझियमचं लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते झालेला आहे। हा क्षण हा ऐतिहासिक दिवस आहे, हा सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवावा असा दिवस आहे, कारण
हा आपल्यासाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे. खरं म्हणजे हे म्युझियम पाहिलंय, हे पोहरा देवी बंजारा समाजाची काशी म्हणून ओळखतो आपण, खऱ्या अर्थाने आज इथं काशी उभी राहिली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून आज जे काही इथे उभं केलेलं आहे पोहरा देवीचं वास्तू जी आहे, तिथे सगळी बंजारा समाजाची संस्कृती परंपरा सगळं दाखवलेलं आहे. खरं म्हणजे हे फार तुम्ही भाग्यवान आहात की जेव्हा रामराव महाराजांनी इच्छा व्यक्त केली होती की हे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी एकदा या ठिकाणी यावं, पण ते कुणाच्या नशिबात योग आला नाही, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नशिबात योग आला आणि आज त्याचं लोकार्पण झालेलं. आणि म्हणून जगण्यासाठी वनवन भटकंती करणाऱ्या बंजारा समाजाला संत सेवालाल महाराजांनी जगण्याचा अधिकार दिला, त्यांना जगण्याचा मार्ग दाखवला आणि हा समाज कष्टानं आणि मेहनतीनं प्रामाणिकपणे प्रगती करतोय. पण या समाजाने आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपली वेशभूषा जीवा पलीकडे आजही सांभाळलेली आहे आणि म्हणून तुम्हाला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. या समाजाचा इतिहास जपण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. वाडी वस्तीनं साई वेश, किडी मुंगीनं साई वेश, म्हणजे या ठिकाणी वाडी वस्ती अगदी किडी मुंगीचंही रक्षण करा, जंगल आणि पर्यावरणाचं रक्षण करा, कुठलाही भेदभाव करू नका, माणुसकीवर प्रेम करा, सर्वांना सोबत घेऊन प्रगती करा असा संदेश संत सेवालाल महाराजांनी आपल्याला दिलेला आहे. आणि म्हणून सबका साथ सबका विकास हे ब्रीज घेऊन चालणारे आदरणीय मोदीजींनी सेवालाल महाराजांचं तत्व स्वीकारलेलं आहे. दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले अमेरिका का दिग्विजयी सफल दौरा कर मोदी जी गत सप्ताह भारत लौट आए हैं. मुझे और हम सबको गर्व है, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी से मिल रहे थे उससे यह देखकर स्पष्ट हो गया है कि अब भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है. जो बाइडन आणि मोदी जी, इनकी बॉन्डिंग पूरी विश्व ने देखी है. इससे पता चलता है कि विश्व में हमारे देश और मोदी जी का प्रभाव कितना बड़ा है और इसलिए हमारे देश आगे बढ़ रहा है. इसे हम इसका हमें गर्व है, हमें फख्र है, हमें अभिमान है. मोदी जी, आप देश के गौरव के साथ मान सम्मान और देश की शान भी हो. 140 करोड़ जनता को आप पर गर्व है. यन से नरेंद्र और एम से मोदी होता है, लेकिन मैं कहता हूं यन से नेशन और एम से मिशन. और नेशनल डेवलपमेंट के मिशन पर हमारे मोदी जी है, इसका भी हमें अभिमान है. मोदीजींच्या प्रेरणेने, त्यांच्या आशीर्वादाने गेल्या 2 वर्षात राज्याच्या विकासाला स्पीड आला आहे, गती आली आहे. डबल इंजिन सरकारचं काम विकासाच्या बुलेटच्या वेगाने पुढे जात आहे. ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनांनी राज्यातील जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि सुख समाधान या ठिकाणी देण्याचं काम करतोय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, माझ्या लाडक्या बहिणी पण आहेत, लाडके भाऊ पण आहेत, लाडकी बहीण योजना सुपरहिट ठरलेली आहे. शिवराज सिंग चौहान जी यहां पर है. 2 करोड़ से ज्यादा हमारे बहनों के खाते में 3 हफ्ते चले जा रहे हैं, 4,500 रुपए. और ये योजना विपक्ष कहते हैं कि हम बंद करेंगे, लेकिन कोई भी माई का लाल हमारे बहनों की ये लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारे गोर गरीब बहनों के लिए है. हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम इस राज्य का कारोबार कर रहे
और इसलिए डबल इंजन की सरकार सभी वर्ग को न्याय देने का काम कर रहा है। किसान हो, माता बहने हो, मेरे भाई लाडले भाई हो, ज्येष्ठ हो, बुजुर्ग हो, सभी हो, सभी लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं। शेतकरी, कष्टकरी, गरीब महिला, युवक या सगळ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करतोय। त्यामुळेच आपलं सरकार आता लाडकं सरकार झालेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। मोदीजी महाराष्ट्रात जेव्हा येतात तेव्हा रिकामे हाताने येत नाहीत किंवा नुसतं भाषण देऊन जात नाहीत, ते महाराष्ट्राला भरभरून देतात, ते आमच्याकडून कामही करून घेतात आणि पाठीवर शाबासकीची थापही देतात, हा त्यांचा मोठेपणा आहे। परंतु त्यानंतरही विरोधक टीका करतच राहतात, लेकिन मैं कहता हूं जलने वाले जलेंगे, बढ़ने वाले आगे ही बढ़ेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे विश्व पर राज करेंगे। केवल मुंबई नहीं, पुणे नहीं, सगळी शहर जी आहेत ही विकसित झाली पाहिजे, शक्तिशाली झाली पाहिजे असा आपला प्रयत्न आहे आणि म्हणून त्यासाठी प्रचंड ऊर्जा, सामर्थ्य आणि इच्छाशक्ती लागते, ती आम्हाला आदरणीय मोदीजींकडून मिळते आणि अशीच ऊर्जा आणि सामर्थ्य संत सेवालाल यांच्या स्मारकामुळे देखील मिळणार आहे आणि म्हणून मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो की आता एक मोठं काम उभं राहिलेलं आहे। ए संजय राठोड यांनी सातत्याने प्रयत्न केला, देवेंद्र जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा सुरुवात झाली, पण मधल्या सरकारमध्ये संजय काही पैसे मिळाले नाही, पण आपलं सरकार आल्यानंतर 700 कोटी रुपये या आपल्या प्रकल्पाला आपण दिले, हे देखील मी या ठिकाणी सांगू इच्छितोय आणि म्हणून मी आदरणीय मोदीजींना मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी आणखी एक मोठं काम केलं महाराष्ट्राला, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला। खरं म्हणजे हे देखील मोठा इतिहास आहे। गेले अनेक वर्ष अनेक लोकांना संधी असताना देखील या मराठी भाषेला मान सन्मान गौरव करण्याचा योग त्यांना मिळाला नाही, पण त्यालाही योगायोग लागतो आणि म्हणून नवीन नवीन मोठी मोठी कामं, नवीन नवीन निर्णय मोदीजींच्या काळात होतात। भूमिपूजन ज्याचं होतं त्याचं लोकार्पण पण मोदीजींच्या काळात होतं, हा इतिहास आहे, त्याला योगायोग लागतात आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। मनापासून मोदीजींना मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल, जय सेवालाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के जिस क्षेत्र में जाते हैं उसे विकास की अनेक सौगातें देते हैं। आज भी इस क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों की बहुप्रतीक्षित पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त, जिसमें 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की 5वीं किश्त का वितरण होगा, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के 91.5 लाख किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण महाराष्ट्र के किसानों के लिए डबल इंजन सरकार की सौगात है। तत्पश्चात स्वदेशी बोमाइन सीमेंस एक्सॉर्टेड तकनीक और मवेशियों के लिए यूनिफाइड जेनोमिक चिप का शुभारंभ होगा तथा इसके साथ 9,200 FPOs और केंद्र सरकार के 100 दिनों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत पूर्ण किए गए 7,516 प्रकल्प भी देश को समर्पित किए जाएंगे। पीएम कुसुम एवं मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत 411 ग्राम पंचायतों को सामाजिक विकास निधि का ई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कृषि हेतु विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित
सौर ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 5 स्थानों छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, कोल्हापुर, अकोला एवं बुलढाणा के सोलर पार्क राष्ट्र को समर्पित होंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याण प्रकल्पों का शुभारंभ करें और जनता को विकास योजनाओं की सौगात भेंट करें। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में द्वितीय श्वेत क्रांति चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
किसान भाई बहन देश के अन्नदाता हैं। उनकी समृद्धि और सर्वांगीण उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है, जहां सोलर ऊर्जा से जोड़कर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का अभियान शुरू हुआ। इससे डीजल पर निर्भरता घटी और सिंचाई के लिए दिन में किसानों को बिजली मिलना सुलभ हुआ। प्रधानमंत्री जी के ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट के विजन और नेट जीरो के संकल्प के तहत वर्ष 2030 तक 50% बिजली हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हासिल करने का लक्ष्य है। यह योजना इस संकल्प को भी मजबूती दे रही है। महाराष्ट्र में पीएम कुसुम को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के साथ मिलकर MSKVY 2.0 प्रकल्प 2023 में शुरू किया गया और देश में पहली बार महाराष्ट्र के किसानों के लिए स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई। योजना के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल तथा अन्य डिजिटाइज्ड डेटा इंटीग्रेशन के जरिए पारदर्शी तरीके से केवल 3 महीनों में 40,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। अब तक 9,200 मेगावाट के प्रकल्पों का काम शुरू हो चुका है, साथ ही 4,800 मेगावाट के नए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन प्रकल्पों के लिए भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। विजनरी नेतृत्व से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं, यह योजना उसकी मिसाल है। इस योजना के कारण बिजली की दर करीब 60% कम हो जाएगी और 8.50 रुपए प्रति यूनिट के बदले केवल 3.08 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी। इससे बिजली खरीदने में 10,000 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। बिजली की सहज उपलब्धता के अलावा महाराष्ट्र के किसानों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 1,25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी भी होगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50,000 नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की इस सबसे बड़ी विकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 411 ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास निधि का वितरण तथा प्रथम 5 प्रकल्पों का लोकार्पण किया जा रहा है। बीज, सिंचाई, बीमा से लेकर बाजार तक और साथ ही सोलर तक किसानों के हितों के लिए सरकार ऐसी ही समर्पित प्रयास करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की लाभार्थी बहनों को अपने कर कमलों से चेक वितरण करें। मैं बहनों के नाम लूंगी, वे क्रम से मंच पर आएंगी। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की लाभार्थी बहन सरिता नामदेव जामुनकर। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से चेक वितरण। अगला नाम जयश्री संतोष राव बुंद्रे। बहुत बहुत बधाई। इनके बाद कल्पना रविंद्र कटके। तालियां बजनी चाहिए सभी लाभार्थी बहनों को, बहुत शुभकामनाएं। अगली लाभार्थी रेशमा ग्यासुद्दीन खातिब। बहुत बहुत बधाई। इनके बाद अर्चना अश्वत्थामा चव्हाण। सभी लाभार्थी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके कार्य और आपके विचार हम सभी को सदैव प्रेरणा देते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें
तथा हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से लाभान्वित करें। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आजेर भव्य सभान संपूर्ण देशेति उपस्थित मार गोर भाई याडी भेना सेन जय सेवालाल, जय सेवालाल। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी शिवराज सिंह चौहान, राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहां दूर दूर से आए हुए बंजारा समाज के मेरे भाई बहन, देश भर के किसान भाई बहन और अन्य सभी महानुभाव, और महाराष्ट्र के मेरे भाई और बहनों, मैं वाशिम की इस पावन धरती से पोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूं। आज नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। मैं इस मंच से इन दोनों अपने महान संतों को शीश झुका करके नमन करता हूं। आज महान योद्धा और गोंडवाना रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती भी है। पिछले वर्ष देश ने उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। मैं रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं। साथियों, आज हरियाणा में मतदान भी हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है।
देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आज जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, इन्होंने पहली सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा, मन को बहुत ही संतोष हुआ, आनंद हुआ। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आप तो देखें, आपके परिवार को बाद में समय निकाल करके इसे देखने के लिए जरूर भेजें। मैं अभी पोहरा देवी में बंजारा समुदाय के भी कुछ महानुभावों से मिलकर के आया। इस म्यूजियम के जरिए उनकी विरासत को जो पहचान मिली है उसका संतोष और गर्व का भाव उनके चेहरों पर था। मैं आप सभी को बंजारा विरासत म्यूजियम की बधाई देता हूं। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। हमारे बंजारा समाज ने भारत के सामाजिक जीवन में, भारत की निर्माण यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कला, संस्कृति, आध्यात्म, राष्ट्र रक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में इस समाज के महापुरुषों ने, महान विभूतियों ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। राजा लखीशाह बंजारा, उन्होंने विदेशी शासकों के कितने अत्याचार सहे, उन्होंने समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वर सिंह बापू जी, संत डॉक्टर रामराव बापू महाराज, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, हमारे बंजारा समाज ने ऐसे कितने ही संत दिए जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी। पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों हजारों वर्ष से समुदाय भारत की संस्कृति और परंपराओं को सहजता और संवारता आया है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस और महाआघाड़ी का आपके प्रति क्या रवैया रहा है। जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में
महाअघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। भाई और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाई और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे यहाँ महाराष्ट्र में तो किसानों को एनडीए सरकार में डबल फायदा हो रहा है। एकनाथ जी शिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है। आमचा शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मिलत आहेत त्यावर शून्य लिहिलेले आहे ना। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए। जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहाँ कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहाँ आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से
राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाअघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की असीम क्षमता है। ये तभी होगा जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबको आगे बढ़ाने का अभियान मजबूती से चलता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। हम सब साथ मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर हमारे किसान साथियों और मेरे बंजारा समाज के सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।